बॉलीवुड इंडस्ट्री में काजोल और अजय देवगन की जोड़ी को कौन नहीं जानता, जिसका नाम उन जोड़ियों में गिना जाता है जिनकी शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उनमें प्यार बरकरार है। हालांकि दोनों में प्यार के साथ साथ थोड़ी नोकझोंक भी देखने को मिलती है। हाल ही में दोनों की नोकझोंक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां काजोल अपने पति परमेश्वर अजय को बुढ़ा कहती दिख रही हैं। काजोल के इस वीडियो पर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल NN बॉलीवुड को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। गौरतलब है कि अजय और काजोल अक्सर इवेंट्स में एक साथ स्पॉट किए जाते हैं। इस बार भी अजय और काजोल साथ में एक इंटरव्यू में पहुंचे, जहां अजय ने काजोल को छेड़ते हुए उन पर चुटकी ली, जिस पर काजोल ने भी जबरदस्त पलटवार कर सिंघम यानी अजय देवगन की बोलती बंद कर दी। दरअसल अजय देवगन ने इस दौरान कहा कि काजोल को फोटो क्लिक करवाने का काफी शौक है, ऐसे में वो अक्सर फोटो खिंचवाती रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर काजोल अपनी फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने से पहले ठीक करवाती हैं, जिसमें पूरे 3 घंटे की बर्बादी होती है। ये ठीक नहीं है, वो भी पहले की बात और थी, लेकिन अब जब काजोल बुढ़ापे में अजय इतना ही बोल पाते हैं कि काजोल उन्हें वहीं रोक देती हैं और कहती हैं, तुम होगे बुढ़े, मेरा बुढ़ापा अभी नहीं आया है। अजय और काजोल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इस पर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं, जहां कुछ लोगों ने इस पर हंसने वाला इमोजी शेयर कर प्रतिक्रिया दी है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पति की बेइज्जती करने पर काजोल को फटकार लगाई है। खैर, बात करें दोनों के वर्क फ्रंट की, तो अजय आने वाले दिनों में कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिनमें RRR, रणवीर 34 और मैदान का नाम शामिल है। फैंस को एक्टर की इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है। इससे पहले एक्टर फिल्म सूर्यवंशी में दिखाई दिए थे, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और कैटरीना कैफ के साथ स्क्रीन शेयर किया था। वहीं एक्ट्रेस काजोल फिलहाल किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही हैं। इससे पहले उन्हें फिल्म तान्हाजी में देखा गया था। इसके अलावा काजोल शॉर्ट फिल्म देवी और नेटफ्लिक्स फिल्म त्रिभंगा में भी दिखाई दी थी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।